मुराद की माँ कभी भी मुराद को किसी और के साथ नहीं पाना चाहती थी, लेकिन मुराद की खुशी खातिर उन्होंने मन्नत और मुराद की शादी के लिए तो हाँ कह दी, लेकिन वो हर फंक्शन में कोई ना कोई इशू क्रिएट कर देती है, जिस वजह से मन्नत के भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर मन्नत से कहते हैं कि मुराद की माँ कभी भी तुम्हें मुराद की बीवी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम इस शादी के लिए इनकार कर सकती हो। लेकिन मन्नत और मुराद एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो मुराद अब मन्नत के भाई से वादा करता है कि मैं मन्नत को हमेशा खुश रखूंगा और अपनी माँ के सामने उसकी हमेशा इज्जत ही करवाऊंगा, और मेरी वजह से या मेरी बहनों या मेरी माँ की वजह से मन्नत को उस घर में कभी भी कोई इशू नहीं होगा। इस वजह से मन्नत के भाई फिर से शादी के लिए हाँ कर देते हैं।